आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप जो है हीरो फिनकॉर कंपनी का पर्सनल लोन का और बिजनेस लोन का जो DSA है वो कैसे ले सकते हो। सारी चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप डिटेल में बताने वाला हूं और DSA लेने का जो पूरा प्रोसेस होता है वो भी ऑनलाइन होता है और कस्टमर को लोन दिलाने का भी प्रोसेस इसमें जो है ऑनलाइन होता है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में ये DSA आपको मिल जाते हैं। और साथ के साथ मैं आपको यही बताने वाला हूं कि कैसे आप जो है DCB बैंक का DSA जो है कैसे ले सकते हो, और ये भी बताऊंगा कि कैसे आप जो है अगर किसी कारणवश आपको जो है DSA नहीं मिल पाता है हीरो फिनकॉर्प का, तो आप जो है कैसे डायरेक्ट कस्टमर को लोन दिला करके पैसे कैसे कमा सकते हो। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको जो है हीरो फिनकॉर्प कंपनी का पूरा जो है ओवरव्यू दे देता हूँ कि जो है इसके साथ किन कौन सी कंपनियों का जो है टाइप है और कौन कौन से जो प्रोडक्ट है आप सेल कर सकते हो। फिलहाल तो आप जो सिर्फ पर्सनल लोन और बिजनेस लोन का DSA है जो अलग अलग तरीके से ले सकते हो। यहाँ से जो पर्सनल लोन में, मोबाइल लोन में और भी बहुत सारे जैसे कि यूज्ड कार लोन, लॉयल्टी लोन, टू व्हीलर लोन जो कि कराए जाते हैं, इनके DSA आप जो है अभी फिलहाल नहीं बन सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो। और नीचे आ जाते हैं कि कौन कौन सी कंपनी के जो टाइप हैं वो यहाँ पे इसके साथ हैं। पार्टनर पे क्लिक करोगे तो जैसे कि पेटीएम का टाइप है यहाँ पे, प्रेफर का, जेस्ट मनी का, और कॉरपोरेट में देखे तो उड़ान कैपिटल का इनके साथ जो है टाइप है। अगर आपको जो है EMI कैलकुलेट करनी है तो आप जो यहाँ पे लोन अमाउंट डालो, इंटरेस्ट रेट डालो, मंथ डालो और कैलकुलेट आप यहाँ से कर सकते हो। अभी आगे मैं आपको बता दूंगा कि डायरेक्ट आप जो लोन है वो कैसे करा सकते हो। तो आप जान लेते हैं कि आप जो है हीरो फिनकॉर्प कंपनी का जो DSA है वो कैसे ले सकते हो। मैंने पूरी रिसर्च करने के बाद ये पता चला कि इसको आप जो है एज अ किसी वेबसाइट पे साइन अप वगैरह करके नहीं ले सकते हो, आप सिर्फ इसको मेल करके ले सकते हो। यहाँ पे मैंने भी मेल किया था, मुझे कॉल वगैरह सारी बातें जो है मुझसे हो चुकी हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने मेल किया हुआ था। आपको सिंपली इनको corporate.care@hirofincorp.com की वेबसाइट पे इनको जो है मेल करना होता है, और मेल आप जो अगर मोबाइल से कर रहे हो तो आप अपनी जीमेल को ओपन करना है, वहाँ पे सिंपली आपको इस मेल को जो है कॉपी कर लेना है या फिर कहीं नोट डाउन कर लेना है, और आपको प्लस आइकन वाला ऑप्शन जो है मिल जाएगा और टू में आपको hirofincorp@mail को यहाँ पे डाल देना, और आपको जो है सब्जेक्ट में लिख देना है बिकम अ लोन DSA, और आपको जो है पूरी डिटेल में डाल देना है आई वॉन्ट टू बिकम अ लोन एजेंट, मुझको जो है 4 साल का एक्सपीरियंस है, जैसा मैंने लिखा है वैसा ही आपको डाल देना है। कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह, अपना पूरा एड्रेस आपको सिंपली जो है चेंज कर देना है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने जो मेल है इनको 28 मार्च 2023 4:09 पे इनको किया था, और मुझे जो है हीरो फिनकॉर्प की ऑफिशियल तरफ से जो है एक मेल भी आ चुका है 29 मार्च को, यानी कि 24 घंटे में मुझे रिप्लाई भी वहाँ से आ गया। जैसे कि क्या रिप्लाई है, यहाँ पे जो हमारा नाम लिखा हुआ है हीरो फिनकॉर्प की तरफ से, आपको दो नंबर दिए जाएंगे, एक है दुर्गेश ठाकुर का जो कि बिजनेस लोन के लिए दिया गया है, और एक है लैप यानी कि लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। आप अगर लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के साथ भी काम करना चाहते हो तो वो भी आप जो है यहाँ से ले सकते हो। अगर आप जो है यूज्ड कार लोन का भी लेना चाहते हो तो भी आप वो DSA ले सकते हो। यहाँ पे आपको नंबर दिए जाते हैं दोनों पर्सन के, उनसे आप जो है डायरेक्टली कॉन्टेक्ट जो कर सकते हो। जैसे सोनिया दत्त का लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के लिए यहाँ पे नंबर शो करा गया, मैंने एज ए सिक्योरिटी इनको हाइड किया हुआ है। आपको कौन से नंबर सेंड किए जाएंगे उनकी तरफ से वो जो है कोई पता नहीं, क्योंकि ये लोकेशन वाइज भी प्रेफर करते हैं कि लोकेशन पे आपने जो लोकेशन डाली है उसके अकॉर्डिंग आपको ये नंबर जो दिए जाएंगे। इनकी मेल आ जाती है ऑफिशियली, और इनका जो कॉन्टैक्ट हेल्पलाइन नंबर है वो भी मिल जाता है। आप जो इनसे सिर्फ 10 बजे से लेके 6 बजे तक कॉन्टैक्ट जो है कर सकते हो, और फिर आपको क्या करना है, सिर्फ इनको जो है कॉल कर देना है, जो नंबर आपको दिए गए हैं उनके द्वारा आपको अपनी सिटी बतानी है, फिर वो एक नंबर आपको देंगे, और जो आप नंबर आपको मिलेगा बिजनेस लोन का और पर्सनल लोन का उनको आपको ले लेना है। उनसे ये बोल देना आप मुझे नंबर दे दो उनका, अगर वो बोले कि मैं जो टीम को फॉरवर्ड कर दे रहा हूँ आपकी डिटेल, ये आपको जो बोलना नहीं है, आपको बोलना मुझे नंबर दे दो जिससे कि मैं उनसे बात कर सकूँ, क्योंकि वहाँ से वो कभी कॉल नहीं करेंगे आपको, जो आपको ही उनसे कॉल करनी होगी जो आपके एरिया के हैं, और आपको जो DSA है वो प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। सारी चीज़ें आपको जो है उनसे पूछ लेने, कितना पे आउट मिलेगा ये प्रोसेस मैंने आपको जो है बता दिया। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है कि आपको मेल रिसीव नहीं होता है या कोई दिक्कत आती है तो आप मुझसे जो है पर्सनली भी आकर पूछ सकते हो। डिस्कशन में आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है वो मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन करके या फिर आप जो डायरेक्ट हैं वो भी मुझसे जो कॉन्टैक्ट है वो कर सकते हो। जैसे कि मैं DCB बैंक का DSA आपको लेना है तो हम वेबसाइट पे यहाँ आ चुके हैं, यहाँ पे आप जो सारा ओवरव्यू देख सकते हो कि किस किस प्रकार का ये जो कंपनी है वो काम करती है, क्या क्या आप जो यहाँ से करा सकते हो।
अगर प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो DCB बैंक से आप सिर्फ होम लोन करा सकते हो, और आपको जो है एक DSA उसका दे दिया जाता है। जैसे कि उसके लिए भी आपको मेल करना होगा। मेल क्या करना होगा, आपको जो सिंपली loans@dcbbank.com इस पे जो है मेल करना होगा। मेल कैसे करना है वो भी मैंने आपको बता दिया, वही डिटेल आपको लिख देनी है। आई वॉन्ट टू बिकम अ लोन एजेंट, आई हैव 4 ईयर एक्सपीरियंस टू सेल फाइनेंशियल प्रोडक्ट मोस्टली लोन्स एंड मैनी मोर, प्लीज कॉन्टेक्ट मी। आपका नेम, कॉन्टेक्ट नंबर, पूरा एड्रेस, अपनी डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे लिख देनी है, और फिर आपके पास जो है ये वाला मेल आएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि 2 दिन के अंदर आपसे जो है कॉन्टेक्ट कर लिया जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, मुझे एक मैसेज जो है और रिसीव हुआ था मेल पे कि आपको जो है अपनी पूरी जो डिटेल्स हैं वो सेंड कर देने DSA ओपन करने के लिए। जैसे कि आप किस लोकेशन से हो, आपको अपना नंबर मेंशन कर देना, रिप्लाई में क्लिक करके आप जो उनको मेंशन, और इसके बाद सिंपली आपको कुछ भी नहीं करना है, और आपके जो एरिया के मैनेजर हैं जो DCB बैंक के DSA के काम को देखते हैं वो आपसे ऑटोमेटिकली ही कांटेक्ट कर लेंगे। और अगर अच्छी फाइल आपके पास होती है, यानी ज़्यादा लोग जब भी चाहते हैं कि आप जो उनको ज़्यादा बिजनेस दो, अगर आप उनको ज़्यादा बिजनेस देने के लायक पावर रखते हो तो जरूर आपको जो है एक अलग से DSA प्रोवाइड करा देंगे होम लोन का, और काम कराओ, क्योंकि प्रॉफिट सबसे ज़्यादा होम लोन में ही होता है। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज तो मैंने सारी चीज़ें आपको बताई दी हैं। दोनों को प्रोसेस लेना जो है मेल के थ्रू ही होता है, और सारी डिटेल आपको जो आपके मैनेजर हैं जिनसे कांटेक्ट होगा वो आपको बताई देंगे। की तरफ से डायरेक्ट लोन दिलाने के भी 2 तरीके हैं। पहला तो आप जो वेबसाइट के थ्रू दिला सकते हो, और दूसरा कि आप जो प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड करके दे सकते हो। लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि कस्टमर आपके पास जो होना चाहिए, क्योंकि इसमें लाइव फोटो क्लिक होता है। जैसे कि आपको यहाँ प्रोडक्ट पे क्लिक करना, और आपको यहाँ पर्सनल लोन इंस्टेंट कैश लोन पे सिंपली जो है क्लिक कर देना, और आप जो है यहाँ पे अप्लाई फॉर पर्सनल लोन पे आपको क्लिक करना। आप जो है कस्टमर को 50,000 से लेके 1.5 लाख तक का लोन करा सकते हो। फ्लेक्सिबल रीपेमेंट है, यानी कि जितने मंथ का चाहो उतने मंथ की आप EMI इसमें बनवा सकते हो, और जो इंटरेस्ट रेट है वो 12.5% पर ENM, और जो रिड्यूसिंग इनकम जो होती है यहाँ पे 2.5% की जो है इसमें प्रोसेसिंग फीस लगती है, और ऑटोमेटिक पेमेंट आपको इसमें करना होता है। और सबसे बढ़िया बात यह है कि आपको कस्टमर से कोई भी इनकम प्रूफ जो है नहीं लेना होता है। यहाँ पे मिनिमम सैलरी उसकी 15,000 होनी चाहिए दोस्तों, बस स्टेटमेंट अच्छा होना चाहिए, ये तो यहाँ पे लिखा हुआ है वैसे ही, क्योंकि मैंने किया हुआ है 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट जो कि नेट बैंकिंग कस्टमर की चालू होनी चाहिए, और 600 से ऊपर का जो सिविल स्कोर है। और सबसे बढ़िया बात यह है कि जो पूरा प्रोसेस होता है वो ऑनलाइन होता है, और जितना लोन आपको लेना होता है उतना ही लोन आपको जो है दिया जाता है। अगर आपको जो है यहाँ से लेना है कस्टमर का डायरेक्ट वेबसाइट से, तो आपको इसमें जो सबसे पहले उसकी ईमेल आईडी और जनरेट OTP, अगर आप चाहते हो कस्टमर को मोबाइल ऐप के थ्रू कस्टमर तुम्हारे पास जो है बैठा हुआ है, तो आपको जो है मेरी ये वाली वीडियो देख लेनी है जो कि यहाँ पे हीरो फिनकॉर्प की मैंने बनाई हुई है। इसमें मैंने जो है पूरा प्रोसेस आपको बताया हुआ है, चैनल पे आ जाओगे और मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा।